40,000 ओ सरदार जी का 50,000 अगला प्लॉट 1,50,000 में दे सकता है। आइए पिछला प्लॉट 8 से ज्यादा नहीं। आइए सेठ करमचंद जी, अगला प्लॉट खरीदेंगे पिछला। जिंदगी में उसूल पकड़ लो, कभी किसी से पीछे मत रहो। अरे चला जा रहा है दिल्ली की बेहतरीन लोकैलिटी का बेहतरीन प्लॉट 65,000 में। बोलिए राणा जी, बोलिए सेठ जी। अरे सोने जैसी जमीन मट्टी के भाव। अरे दिल्ली के सब रईस कमजार हो गए। 70,000 मैं भी हैरान था कि छुपे हुए रूप तुम कहाँ चुप कर बैठे हैं। 71,000 वाह वाह 71,000 नाराज जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। 81,000 83,000 1,00,000 पूरा ही लख। लाला जी तुहाडा जवाब नहीं। लाला जी इलायची है कोई और या बजा दो ढोल। कोई नहीं। हाँ 1,00,000 एक, 1,00,000 दो, 1,00,000 दूध में मक्खी। मक्खी बिल्कुल मक्खी। ये तेवर 1,10,000 11,000 लाला जी 1,11,000 1,20,000 21,000 लाला जी 21,000 1,30,000 31,000 मक्खी है आपके सामने। 1,50,000 51,000 बाबा उंगली उठाता है गुंगा क्या। लाला जी 60 रूपए जाने की समझ में नहीं है। बिल्कुल ये फाइनल समझ लीजिए। 60 नहीं उसी और क्या बने। 1,61,000 लाला जी
हाँ हाँ इकसठ इकसठ सात आठ बासठ हजार कर दो, बासठ हजार कर दिया। तो साठ हजार से ऊपर बढ़ने की हिम्मत नहीं है उसकी। आइए दादाजी, आइए आइए, बढ़िए बढ़िए, हाँ बढ़िए, हाँ बढ़िए बढ़िए, आइए दादाजी। छोड़िए ना, छोड़िए छोड़िए, चेन्नई में जाने की मर गया। आप पिछला प्लॉट क्यों लेते हैं? पिछला लाला जी पिछला प्लॉट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्लॉट में सुन रहा हूँ, देखो कहीं के पिछला प्लॉट नहीं मिलते, मैं उस चमगादड़ के पीछे रहूँ। दो लाख चल दिए, दो लाख, दो लाख दो और दो लाख तीन। कहिए सेठ जी रह गए पीछे 38,000, गुड एक्सलेंट, 39,000, एक 39, 40,000, 40,000, एक। आइए आइए सेठ जी, अगला प्लॉट ना सही तो पिछला ही सही, सिर्फ 40,000 रुपए, 40,000 रुपए। दो लाख एक हजार, दो लाख एक हजार, शाबाश। इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, तो खोपड़े खराब हो गया, बिल्कुल भूले ही ना। क्या आपका कोई स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया था? बिल्कुल गवार हो, पहले बात समझा करो फिर शोर मचाया करो। अब ये प्लॉट में क्या कोई मोती उगते हैं? शान भी कोई चीज होती है, बाकी रही आगे पीछे की बात तो अब बताओ, अब बताओ मैं तुम्हारे पीछे हूँ या तुम मेरे पीछे हो? लेकिन पिताजी हमारी कोठी उसकी कोठी के पीछे छुप जाएगी। हमारी कोठी उसकी कोठी के पीछे छुप जाएगी या उसकी कोठी हमारी कोठी के आगे झुक जाएगी? होल्ड ऑन प्लीज, सेठ करमचंद एंड अलायंस सर। पुते मैम, ये डिजाइन देखिए, आपको पसंद? ओह सेठ जी, नहीं सुखबीर, तुम्हें याद होगा हमने तुमसे जिक्र किया था कि हम एक मकान बनवाना चाहते हैं। हाँ, एक काम करो, अपना अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट हमारे यहाँ भेज दो। घर पे नहीं, पता लिख लो। यस, मेरे ऑफिस में आना। जी जी। हाय जिनी। हाय, व्हाट्स दिस? He's a very naughty boy. हम तो नॉटी नहीं है ना जिनी। यू शट अप। मुश्तंगे बदमाश आवारा। भला कोई पूछे क्या तकलीफ है? नियत खराब और क्या? यहाँ तो कोई सेठ वेट नहीं आ रहा, जल्दी क्या है, जरा आगे बढ़ो। कुछ धूप सह गए कुछ? और नजदीक आए तो जूती उतार के जड़ दूंगी, दो दो मरने देना। अपने तो हर आह एक तूफान है, अपने तो हर आह एक तूफान है, क्या करे वो जान कर। बस सीधे जी, तू मार खाएगा कौन सी भला? ये भी कोई पूछने की बात? आप फिर गलत समझे, लेफ्ट नहीं राइट। ये पीछे वाला आदमी है बेहया पिट्ठा, और 5 मिनट तक ये आर्किटेक्ट नहीं आया तो चल देंगे हम। भला ये तो नहीं आए, क्या कर रहे हैं? जो हम कर रहे हैं इंतजार। ऐसे घूरते जैसे कभी कोई लड़की नहीं देखी। वो सेठ कहीं आकर ना चला गया हो, इनसे पूछे। पूछो। पूछते हैं। कुछ कह दे जो इस दिल को बहला दे।
और तुम्हें पूछो किसको यहाँ से। अच्छा भाई वो तो कहता है आर्किटेक्ट इंतजार कर करके लौट गया। झूठ है, शायद वो गलत जगह पर इंतजार करता रहा हो। देखो सुखबीर, उसे आज शाम को मेरे घर क्यों नहीं भेज देते। बहुत बेहतर। दीदी दीदी वही मुश्तंदी। यहाँ भी आई पहुंची। कोठी का नंबर फिर से चेक करो भाई। माफ कीजिए मालूम है कोई गलती हो गई। सारे गलती नहीं, बदमाशी है ये। यार जो को कॉपी नरम कर दूंगी। गुंडों का राज नहीं है। लड़की देखी उसे छह रात्री सा क्या, पुलिस हवाले कर दूंगी। चल भाई खिसक यहाँ से, आज का दिन ही खराब है। वरना लड़की तो हमें देख के मुस्कुराया करती थी। चल 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 चल, लाओ एड्रेस निकाल। करमचंद 41, सेठ करमचंद 41। नाम भी ठीक, नंबर भी ठीक, लेकिन दोबारा अंदर जाना ठीक नहीं है। जरूर वो सेठ करमचंद की बेटी है। अरे बेटी तो समझे, लेकिन उसके साथ में लठधारी बॉडीगार्ड है, वो कौन? तुम लोग अभी तक यही खड़े हो? चल आ जा मोतिया, अपने दो उन्हें भाव यहाँ से। आया आया आया, यानी कि आया और उसकी ये मचाल आया। नाउ बस सी नी ग्रो इंटरेक्शन। प्लीज साइड लो, फिर आ गए ये। इस तरह बस नहीं आएंगे बेबी। लातों की पूछ पाते तो नहीं मानते। आया खबरदार। आया मैं किन बात क्या आया हूँ? देखो नौकरों को नौकरों की तरह बर्ताव करना चाहिए। इत्तला कर दो आर्किटेक्ट तशरीफ लाए हैं। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, खुदा पहाड़ निकला चूहा। आई बेग योर पार्डन मैडम। ओ आई एम सॉरी, दो चूहे। मदन चूहे कहीं बिल्लियों के घर में तो नहीं आ रहा है? मोतिया जाके पिताजी को बुला। माफ कीजिएगा आर्किटेक्ट, आप हैं या आप? मदन ये मकान किस घन चक्कर आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया होगा? वेरी ओल्ड फैशन स्टूपिड हाउस। समझ में नहीं आता सुखबीरलाल ने आप दोनों को कैसे यहाँ भेजा। हमने तो एक अच्छा और तजर्बे का आर्किटेक्ट मांगा। सुखबीर लाल जी ने सोनू आने आपकी मांग पूरी की है। ये एक अच्छा और मैं एक तजर्बेकार आर्किटेक्ट हूँ। आपका नाम सोनू को नहीं होता है मैडम, इनसे मिलिए मिस्टर राकेश कुमार, दिल्ली के बेहतरीन आर्किटेक्ट। और ये मेरा असिस्टेंट मदन गोपाल बांसीवाला। आई एम ऑनर्ड मैडम। जोकर नहीं, वो तो बिल्कुल छोकरा सा लगता है। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? देखिए चाचा जी, हमें एक अच्छा मकान बनवाना है, किसी नए आदमी के हाथ में पड़कर पैसा बर्बाद नहीं करना। अच्छा बेटी, तुम कल किसी वक्त मेरे ऑफिस में चली आना, मैं अपने सब आर्किटेक्ट से तुम्हें मिलवा दूंगा। तुम किसी को भी चुन लेना। अब तुम बताओ तुम कैसा मकान बनवाना चाहती हो? पहले मुझे ये बताइए कि लिंक रोड पर 7 नंबर की कोठी और डिफेंस कॉलोनी में 17 नंबर का मकान आपके कौन से आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था? वो दोनों एक ही आर्किटेक्ट के बनाए हुए। 1 मिनट, मेरे कमरे में आना। बेटी शायद तुम ये समझती हो जब तक खोपड़ी गंजी ना हो जाए, दाढ़ी और मूंछ के बाल सफेद ना हो जाए, तब तक आदमी नौसिखिया ही रहता है। लेकिन जमाना नौजवानों का है, मैं खून का है। आओ इसी नौजवान ने दोनों कुर्सी डिजाइन की थी। क्या अमेरिका से आए? अभी 2 साल हुए हैं। राकेश सुलेखा से मिले? जी हाँ, एक बार मिल चुका हूँ। थैंक यू, काफी बेइज्जती करवा चुका हूँ। चाचा जी इनसे कहिए कल की बातें भूल जाए। भूल जाऊं कि तुमने मुझे लोफर समझा, मुझे नसीहत कहकर मेरे इल्म की तोहीन की, और तो और एक कप चाय कभी नहीं पूछा। अगर आपकी नाराजगी सिर्फ चाय की वजह से है तो आज आप हमारे यहाँ खाना खाइए। देख लो भाई दावत है, खाना लजीज होगा, इसकी गारंटी हम किए देते। जी नहीं, मैं ऐसे वैसे का नमक नहीं खाता। देखिए मिस्टर राकेश कुमार, मुझे आपको दावतें देने में लड्डू नहीं मिलते। मुझे एक मकान बनवाना है और मकान बनाना आपका पेशा है,
सोच लीजिए, इरादा हो तो फोन कर दीजिएगा। बॉस, ये लड़की में अकल तुमसे जरा ज्यादा है, देखना कहीं हाथ से न निकल जाए। कोठी बंगला जी नहीं। आज शाम को क्या कर रही हो? कुछ नहीं। यार प्लीज कुछ तो करो, आई बेग ऑफ यू, हमारा दिल टूट जाएगा। माय हार्ट, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। आप खुद ही देख लीजिए, कहीं कोई टेबल खाली नहीं है। हद हो गई यार, हम तुम्हारे होटल का कैमरे देखने कश्मीर से आ रहे हैं। यू नो कश्मीर हाउ फार इट इज, कितना ऊंचा है मालूम है आपको? बहुत ऊंचा है, ऊंचा है ना। तो कुछ तो करो, आप कहते हैं सब टेबलें भरी है। प्लीज, बहुत मजबूरी है साहब। देखा सुलेखा, हम फौजी लोग इनके लिए लड़ते मरते रहे, ये हमें दो कुर्सियां नहीं दे सकते। टू टाइनी चेयर्स यू कैन गिव अस। एक्सक्यूज मी, अगर आपको एतराज ना हो तो मेरी मेज पर दो कुर्सियां खाली। से हु इज दिस ऑब्लिगेटिंग यंग मैन? ये है मिस्टर राकेश कुमार, आर्किटेक्ट, और ये है कैप्टन रंजीत। रॉनी रॉनी हेलो रॉनी, हाउ आर यू? जॉन सुनेगा क्या कहती है? शुड वी गो? प्लीज डू, आई थिंक वी शुड। नाइस फेलो, कम लेट्स रन। मिस जीनी फर्नांडिस, कैप्टन रंजीत, रॉनी रॉनी, मिस सुलेखा। कैप्टन रंजीत रॉनी, आपको जी हाँ लगते हैं। मेरे भाई लगते हैं। आपके भाई लगते हैं। अरे आपने मुझे खाने से बुलाया था। कब हाजिर हो जाओ? I must say she is a very fine dancer. Charming, she is charming. You are very lucky, I must say. Ladies and gentlemen, please take your seats. Our cabaret item is about to begin. Cabaret? Cabaret? दर्द हो
जिसमें दिल वो ही दिल है, पहलू में यूं तो सबके ही दिल है, गर्व हो जिसमें दिल वो ही दिल है, दर्द होगा दर्द भी होगा, प्यार न हो तो जीना मुश्किल है, आज कितनी जवा है ये मेरे दिल, प्यार जिसने किया हूँ वो जाने, दिल की मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल, प्यार जिसने किया हूँ वो जाने। इतना बड़ा है दुनिया का घेरा, लोग दिलों से मिलते नहीं है, इतना बड़ा है दुनिया का घेरा, लोग दिलों से मिलते नहीं है, प्यार बिना तो दोनों जहां में फूल खुशी के मिलते नहीं है, हम किसको हुआ है अब हासिल, प्यार किसने किया हम वो जाने, क्योंकि मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल, प्यार किसने किया हम वो जाने। दिल की मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल, प्यार जिससे किया हो तो जाने। Had a wonderful time, lovely time indeed. सुलेखा, इनसे पूछो अगर ये दोनों कल कुछ नहीं कर रहे तो हमारे साथ पिकनिक पे क्यों नहीं चलते? खुद ही पूछ लो रानी, मेरा ख्याल है तुम अब इन्हें मुझसे ज्यादा जानने लगे। क्यों भाई साहब, आपने कुतुब मीनार तो कई बार देखा होगा, एक बार हमारे साथ भी देखिए, शायद आपको ज्यादा ऊंचा लगे। तुम भी आओ, जिन्हें को भी लाओ भाई, कल तो दफ्तर है। What? सैटरडे ऑफिस, एक बजे के बाद भी? हाँ, एक बजे के बाद। But you can come, तुम आ सकते हो, जिनी को ला सकते हो। And suppose मैं ना आ सकूं तो? तो जिनी, I swear by God, हम कुतुब मीनार के ऊपर से डाइव मार देंगे। आप पहले यहाँ डाइव मारिए। Oh sir, this, oh my sister sir। ये क्या बात हुई, कुतुब आए हैं और कोई ऊपर ही नहीं जाना चाहता। ये काम तुम नौजवानों का है, हम तो बुढ़े हो चुके हैं। चलो ना रानी। मैं? ओ नो सुलेखा, पहाड़ों पर मेरी काफी परेड हो जाती है, मैं तो यहाँ आराम करने आया हूँ। आई हैव अ लिटिल वॉक विद जिनी, चलोगी ना जिनी? चलो। हाँ, यू डोंट माइंड, कम लेट्स गो। और आप? जाओ जाओ जाओ। आप को तो रानी ले गया, या यूं कहिए कि रानी की बहन को हम ले आए। ऊपर देखता हूँ तो सोचता हूँ कैसे पहुंचेंगे,
आपको देखता हूँ तो सोचता हूँ कि पहुँचने की जरूरत है क्या। कम बोलने से थकान कम होती है। बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं। मतलब की बात है तो बोली जा सकती है। मतलब की बात अव्वल तो अपने भेजे में आती नहीं और अगर आती है तो यही रुक जाती है। आपने कुटे की आवाज सुनाई देती है। वो कौन सी? दिल की आवाज। वो भी कह रहा है हुँ, हुँ, आसमान पे ला बैठाया। देख लीजिए कहीं गिरा ना दीजिएगा तो फिर संभाल के रहिएगा। इससे ज्यादा ऊपर तो बस दो ही ताकतें ले जा सकती हैं। एक खुदा और दूसरी प्यार। मुझे डर है कहीं आप उन्हें न लगे। आइए एक एक एक
दिल की बात सुनती जाइए। एक आध बात वापसी के लिए भी तो बचा के रखिए। मेरा मतलब है एक मतलब की बात सुनती जाइए। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो पता है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हसीन तार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू गूंजे दिल की आरजू, तुझसे मेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। आपका ये आंचल प्यार का ये बादल, फिर हमें जमीन पे ले चला। अब तो हाथ थाम लो, एक नजर का जाम दो, इस नए सफर का वास्ता। तुम मेरे साथी आ रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। जमीन का प्लान तो आ गया, अब सोचना यह है कि मकान किससे बनवाया जाए। अगर तो आप मकान सिर्फ अपने लिए बनवा रहे हैं
तो बेशक काले चोर से बनवाइए। अगर उस मकान पर मेरा भी कोई हक है तो उसे सिर्फ मेरा बेटा ही बनाएगा और कोई नहीं। शाबाश, तुमने फिर मेरे सामने उसका नाम लिया। मेरा कोई बेटा नहीं, मेरे लिए वो मर चुका है। हाय आपकी काली जबान, मरे उसके दुश्मन सारा शहर मकान बनवाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। बाप ने सिर्फ उसे घर से ही निकाला था, उसे मार भी रहा। वो मुझे अगर अपना बाप समझता तो यूं सरेआम मेरी पगड़ी नहीं उछालता। हाय आपकी बात से बतंगा बनाकर बैठ गए। कहां था उसने उछाली है आपकी पगड़ी? क्यों खाओ मेरी कसम, क्या वो नशा नहीं करता? हमारे खानदान में आज तक किसी ने तम्बाकू का नशा नहीं किया, और वो नाम मुराद हद होती है बदतमीजी की। मेरे सामने बैठकर इतना लंबा चूर्ण मुंह में रखकर फ्रंटियर मेल की तरह भक-भक धुआं उड़ाता था। आप भी जाने किस हद तक आता है ए जी। आजकल तो बड़े बड़े महापुरुष भी दाव लगने पर सिरे से शक कर लेते हैं। अच्छा चलो माना, लेकिन ये बराजी विस्की जिन, मेरे पिताजी जिंदा होते तो उनका सुनकर ये हाथ फेल हो जाता। ठगा तो नहीं पीता ना, अंग्रेजी ही पीता है, और फिर वो भी कभी कभार, वो क्या कहते हैं उसे तगादा पे, उससे कहीं नशा होता है। पर तुम्हें कैसे मालूम है जी, तुमने कभी पी है क्या? मैंने नहीं पी तो क्या हुआ, क्लब में हर रोज आते पीती है। फिर एक आध बार मेरा भी जी कराया था। रोक गई, कहीं नशा करके तो नहीं बैठी? मैंने तो बात की थी। ये भी तो बात करने की है। राम 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 राम, हमारे बुजुर्ग जब रामायण की कथा करते थे तो हम बच्चे सब मिलकर कहा करते थे बोल सियापति रामचंद्र की जय। और आजकल जब हम मंदिर में कीर्तन कर रहे होते हैं तो हमारे साहबजादे आवारा लड़की को लेकर उसके साथ चिमट कर कर रहे होते हैं चा 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 ची ची ची। कसूर किसका है? कितना रोई थी, कहा था कि बेटे को विदेश ना भेजो ना भेजो, लेकिन अकड़ थी कि बेटा अमेरिका में तालीम हासिल करेगा। शाबाश है, मैंने तो उसे आर्किटेक्ट बनने के लिए भेजा था। मुझे क्या मालूम कि वापस लौटते वो बाप को पप्पा कहेगा, और जहाँ देवी देवताओं की तस्वीरें होनी चाहिए वहाँ कोको कोला पीती हुई अधरंगी लड़कियों कैलेंडर टांगेगा। कुछ कूट रहा है? किसके पिता? हाँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, आज उसे कुछ मत कहना। राकेश आया है क्या? नहीं नहीं, वो खुद नहीं आया, मैंने बुलवाया है। किसकी इजाजत है? मैं घर की नौकरानी, जो मुझे हर बात की इजाजत लेनी पड़ेगी। बेटा अपनी माँ से मिलने आया है, और जिस घर में बेटे को माँ से मिलने की इजाजत नहीं वो घर ही अन्य स्थान है। लाला जी कहाँ से लाए हो दिल पत्थर का? वो तुम्हारा भी तो बेटा है, एक लौता तुम्हारे जीवन का टुकड़ा, तुम्हारा लाडला, तुम्हारे अपने हाथों का पाया पोसा हुआ। तुम उसे मिलना चाहती हो तो बाहर जाकर मिलो। याद रखो, बाहर जाकर मिली तो मैं घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। अगर चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे के साथ हमेशा के लिए चली जाऊं तो उसे खुद अंदर बुलवा लो। बोलो क्या फैसला है? तू जो चाहती है कर ले। तू आ गया बेटा। माँ मेरी खातिर आज की लड़ाई की तुमने। बेटा मेरा माथा देखो, मुझे बुखार तो नहीं? माथा तो गर्म है। तुझे मेरे सर की कसम है बेटा, अंदर जाकर अपने पिताजी के चरण छू और पूछ के वो मकान बनवाना कब से शुरू करना चाहते हैं, नहीं तो आज ही मेरे प्राण निकल जाए और तो अपने हाथ से मेरे माँ। तो जा जा बेटा, जा मेरे नाल जा, जा हा? माँ का आदेश है कि मैं आपके चरण छूं और पूछूं कि आप मकान बनवाना कब से शुरू करना चाहते हैं। राकेश मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अल्ले बेटा देख, ये है अपना प्लाट। यहाँ ताजमहल जैसा मकान बना, ऐसा कि कम से कम ये पिछले प्लाट वाले का मकान इसके सामने लीज लगे लीज, वो भी घोड़े की नहीं गधे की। यहाँ से लेके वहाँ तक ये आपका प्लॉट है? यानी कि ये? हाँ ये। और वो?
की बात मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो इससे सस्ता है, वो 2 लाख का है और ये 2,01,000 का। लेकिन उस मकान से आपका मकान छुप जाएगा। अगर उस खूसर मुच्छर सर फिरे गुस्ताख के मकान के सामने हमारा मकान छुप जाएगा तो आप किस मर्ज का इलाज है जी? आप ऐसा मकान बनाइए यहाँ कि उसका मकान इसके सामने फीका पड़ जाए, नजर ना आए। अरे नहीं साहब, ये अपने बस का रोग नहीं, आप कोई दूसरा आदमी देखिए। क्यों? इसलिए कि उससे बेहतर मकान मैं नहीं बना सकूंगा। क्यों? वो कौन बना रहा है? बस यही समझ लीजिए कि है कोई मुझ जैसा ही। आप जैसा या आपसे अच्छा? अगर वो अपने बाप का बेटा है तो मुझसे अच्छा है, और अगर मैं उससे अच्छा हूँ तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे लगता है कि ये मकान बनते जाएंगे और मेरी तबीयत खस्ता होती जाएगी। आइए चलिए। एक ठंडी बियर, नींबू पानी, शिकंजी एक। हेलो ओल्ड बॉय, रोनी क्या हाल है? फाइन। अकेले आए हो? नहीं, समय है, फुल फैमिली हियर, लुक। चलो बाहर में बैठते हैं। अभी तो लाला जी नहीं आया। लाला जी तुम भी कमाल हो, संडे मॉर्निंग और बुड्ढे लाले के साथ बैठे हो, कौन है ये? यूनिक क्लाइंट्स है, मकान बनवाना चाहते हैं। कहो भाई राकेश। सलाम न दुआ, क्या हो गया ऐसे? सुलेखा हम दोनों बाहर बैठे हैं, आज मेरी छुट्टी का आखिरी दिन है, आई वांट टू सेलिब्रेट इट, तुम भी आ जाओ प्लीज। पापा प्लीज और माइंड। My darling sister, you know, मेरा बहुत ख्याल रखती है। राकेश, you are also a darling. Darling, I love you. Give me a kiss. You love me? Give me a kiss. Papa, give me a kiss, yeah. Yeah, thank you. Papa, you're so nice. तुम उन लोगों को जानते हो? कौन लोग? बिल्कुल नहीं। कौन लोग? कौन है वो? अरे हंस तुम रहे, तुमके साथ जब मैं ऐसी धुंधु शक्ल उस बुट्टे की देखते हंसी आ गई। पिताजी आप घर चलिए, मेरा दोस्त जरा ज्यादा पी गया है, मैं घर पर चाहता हूँ। देख अगर तेरा दोस्त उनका भी दोस्त है तो ये दोस्ती अच्छी नहीं। दोस्त दोस्त का वो तो उनका दुश्मन है। वो सेठ उसके 50,000 रुपए खा गया। देखा से बेईमान लगता है ये राकेश, वहां कैसे पहुंच गया? पापा क्लाइंट्स है उसके। क्लाइंट्स? क्या भाई, क्या वो तुम्हारे क्लाइंट्स हैं? बड़े हुए कि मकान बना दो, मैंने साफ कह दिया, मेरे पास कोई वक्त नहीं है फालतू बातों के लिए, किसी और को देखो। तुम जैसे लोगों से मेरा कोई बात तो नहीं। अरे सुना, डांट रहा है उन लोगों को। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? अजीब बहुत घमंड है पैसे का, मेरे बाप ने किसी की अगर नहीं सही तो मैं क्या कहूंगा। कहने लगे कि सेठ करमचंद का मकान न बनाओ तो मैं दुगना पैसा दूंगा। मैंने साफ कह दिया, क्या मकान है आपकी? क्या मुझसे इस बात करते हैं, मैं आपको सीधा कर दूंगा। आप लोगों से कर्ज लेने का समय चट कर जाते हैं, लोगों के पैसे मर जाते हैं, आप बेईमान हैं, बेईमान बेईमान।
आखिर तुम्हारा बेटा है ना? तुम्हारा नहीं, हमारा को हमारा। सुनो, ये क्या सच सच है? सच तो नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। भाई मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, आप बताइए ना। मुझे भी सभी अच्छे लगते हैं, तुम बता बेटी। अच्छे तो मुझे भी सभी लगते हैं, आप खुद ही बताइए ना। मकान मेरी पसंद का बन रहा है या आपकी पसंद का? आपकी पसंद और हमारी पसंद अगर मिल जाए तो कैसा रहे? ओ, बहुत अच्छा रहे। तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं। अरे हाँ? बात क्या है कि मकान में रहने वाले का दिल लजाना चाहिए, और तब तक मुमकिन नहीं जब तक मैं आपके दिल को अच्छी तरह जान ना लूं। ये सुलेखा, मकान की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है कि आप मुझसे 6 साल बाद मिलिए। मकान की बेहतरी के लिए और भी बेहतर होगा कि आप 6-7 बार नहीं बल्कि 20-25 बार पिताजी से मिले। मेरा यही मतलब था। भाई हमसे मिलकर क्या होगा, कोठी तो तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए बेटी। ठीक है, बस चलो। अच्छा है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। लो कॉफी पियो। दफ्तर वालों को पता चल जाए कि काम तुम इस तरह सोफे पर लेट कर करते हो तो तुम्हें निकाल बाहर करें। दफ्तर वाले नहीं बल्कि और भी कई लोग हैं जिन्हें मेरी असलियत का पता चल जाए तो झूठा लेके मेरे पीछे पड़ जाए। यस बॉस, तुम्हारे पिताजी। आने मत देना अंदर। कितनी बार कह चुका हूँ सकल के दुश्मन से कि मैं उसका मकान नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, तो भी वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? मैं अंदर भेजता हूँ, खुद ही पूछ लो। खबरदार, टॉकी से निकाल लूंगा। यार सुन, उनसे कह दे कि मैं किसी महारानी के साथ बैठा हूँ, बिजी हूँ, समझा? वही सेठ है। बड़ा ठीक है। देखो ना, इंतजार करा एक आध घंटा, तब आके खुद ही चला जाएगा। मेरा ख्याल है सुलेखा कि मैं इससे मिल ही लूं, नहीं तो मेरी शिकायत कर देगा बॉस के आगे। तुम यहीं बैठना, मैं चल करके आता हूँ। तो एक महारानी के साथ बातें कर रहे हैं? ऐशा भाषी, एक कहाँ की महारानी है? अयोध्या की। अयोध्या की? ये अयोध्या कहाँ की स्टेट है भाई? यहाँ के राजा दशरथ थे। तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे महारानी सीता अंदर बैठी हो। राजा राम के साथ साहबजादे, हमारे बंगले की डिजाइन कर। आइए उस कैबिन में बैठते हैं। बेटा, ये महारानी क्या चाहती है? महल बनवाना चाहती है। महल? जी। आए शाबाश। क्या कर रही हो? मैं हवा बांध रहा हूँ, तुम महारानी हो, तुम उनके बच्चों की तरह ताक झांक कर रही हो। अच्छा चलता करने गए थे, वो तुम्हारा धरना देके बैठा। सब लोगों के सामने गाली गलौज करना अच्छा नहीं लगता है। कमरा बंद करके उसकी तबीयत साफ करूंगा। तो क्या जल्दी साफ करके? जल्दी करके आता हूँ। अब तुम्हें काम क्यों नहीं करती हो? तुम मुझे शाम को मिलो, चाय साथ पियेंगे। चाय? अभी तो पीछे पड़े थे कि खाना तुम्हारे साथ खाऊं, अब लंच टाइम हो रहा है तो शाम की चाय। आई एम सॉरी, मैं इसे गोल करके आता हूँ। तुम बैठ जाओ। अयोध्या की महारानी है, मुझे मिलवाओ, मैं भी तो देखूं कि महारानियां कैसी होती हैं। अरे पिताजी, राजा रानियों को सामान्य आप कहाँ रहे? रास तो रहेंगे, बस दिखावे की शान है। बुड्ढी है ये जवान? जवान बुड्ढी फाफा है, पोते पोतियों की शादियां भी हो चुकी है। दिल तो बड़ी रोबदार लगती हो। हाँ, रोबदार तो है। यस, जल्दी करो ना। यस योर हाइनेस, अभी हाजिर हुआ। पिताजी ये महारानी जरा जल्दी है, आप चलिए, मैं डिजाइन लेके आपके पीछे पीछे आता हूँ। तुम बात करते हो, मैं यहीं बैठा हूँ। लेकिन मुझे शायद 1 घंटा और लग जाए। तो क्या हुआ, मैं तो खाना खाकर ही चला था। आज तेरी माँ ने मूली के पराठे बनाए थे। मूली के पराठे बनाए थे? अच्छा पिताजी, आप इन मैगजीन्स को पढ़िए, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आते। क्यों, क्या हुआ? खाना खा के मुझे जल्दी वापस आना। जरा बैग तो लेने दो। बात क्या है? रास्ते में आऊंगा। शाबाश।
वाह वाह वाह, आप क्या डिजाइन है, कौन सा है ये अंजी डिजाइन है? अंजी नो गुड गो दॉटल। तो फिर मेरे लिए कौन सा डिजाइन बनाया है? पिताजी मैंने बनाया तो यही था आपके लिए, लेकिन अब मुझे ये पसंद नहीं। क्यों भाई, इसमें क्या खामी है? एक तो ये कि ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो क्या तुम्हारे बाप के पास दौलत की कमी है? और दूसरे आपकी टेक्चुअली, मेरा मतलब है कि आपकी टेक्चुअली ये गलत है, तो आपकी टेक्चुअली इसको ठीक भी कर दो। पिताजी दरअसल बात यह है कि ये डिजाइन वो महारानी पसंद कर गई। ऐसे कहो ना, तो तुम्हें वो बुड्ढी पापा महारानी अपने बुड्ढे बाप से ज्यादा प्यारी है? जी जी जी, कैसी बातें कर रहे हैं? और दूसरे, मैंने उसे बुड्ढी पापा महारानी को पिछले संडे क्लब में भी देखा था। क्लब में? हाँ, हाईनेस क्लब में। नहीं 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 पिताजी, हर हाईनेस तो क्लब में जाती नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो शायद आप उसकी पोती की बात कर रहे हैं। पोती? हाँ, पोती, बेटे की बेटी। मैं कल्चर हो गया हूँ। मुझे ये बता, अभी अभी जो लड़की जो तेरे साथ बाहर गई थी, वो महारानी थी या उसकी पोती? उसकी पोती। तो फिर महारानी कहाँ है? वो भी हमारे साथ थी। झूठ, वो आगे चली गई थी। बिल्कुल झूठ, यूं का इंतजार कर रही। तो फिर मैंने क्यों नहीं देखा उसको? ठीक है, आप बातें कर रही थी और दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद था या खुला मैं कुछ नहीं जानता, मगर मेरी पोती का डिजाइन यही होगा, यही होगा, यही होगा। समझे? कोका कोला नहीं, मैं लस्सी पीऊंगा। हाँ भाई, प्लान तो कुछ समझाओ। देखिए डिजाइन तो आप देख चुके हैं, ग्राउंड प्लान समझा देता हूँ। ये जो जगह है, दौरा पड़ गया। प्लीज 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 हेल्प। आया है इनको, बड़ा सर दौरा पड़ गया। अरे ये तो आपने राकेश का स्कूटर है। अगर मैं तू भी हमारा क्यों ना जाए? इसको कैसे मालूम हुआ कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं? लाला जी ये मत भूलिए, आखिर आप ही का बेटा है। क्यों नहीं, आओ चलें। ठहरिए, राकेश को मिलकर चलेंगे, वो यहीं कहीं होगा। चल सकोगे या डॉक्टर को यहीं बुलाओ? ठहरो ठहरो ठहरो, मेरा ख्याल है कि दौरा खत्म हो रहा है। अब फिर भी डॉक्टर को तो दिखाना ही होगा। नहीं मेरे साहब, मामूली बात है, दौरे पड़ते रहते हैं, पड़ते रहेंगे। ठंडी हवा, गाड़ी चलाती रहो, ठंडी हवा से आराम पहुँचता है। मदन मदन, तुम दोनों हवा हो जाओ। चलो चलो चलो, बड़े साहब, बड़े साहब, मेम साहब का इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम चलो। लेकिन मैं बेगू अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? कितनी बार कहा मुझे सबके सामने बेगू मत बुलाया कर, मुझे कोई धक्का के नहीं लेता था। गाड़ी चलाओ, ठंडी हवा, मदन जी जी जी, मेरा स्कूटर ले आ जाएगा। अच्छा दौरा पड़ा, जो गाड़ी की तेज चला रहे हैं। दौरा क्या, ये दौर है जिंदगी का सुलेख, जबकि तुम्हें पाने के लिए हर बहाना जायज है। मिलाओ हाथ। बहाना? अच्छा तो हमारे उल्लू बनाया गया। चलो वापस करो गाड़ी। चलते हैं वापस, चलते हैं। तेरे बच्चे जी मां, इससे ज्यादा तीखा अचार मैंने आज तक नहीं खाया, बताना तेरी क्या सेवा करूं। भगवान भला करे बेटा, उसका दिया सब कुछ है। अच्छा आप दोनों की नई नई शादी हुई है? बताओ। बाबू कुछ झूठ बोलने में तो तेज हो। नहीं मां, अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर इसके माता पिता ने चाहा, और अगर मेरे माता पिता ने चाहा, और अगर हम सबके माता पिता ने चाहा, तो एक दिन हमारा ब्याह इनके साथ होगा जरूर। उससे पहले डूब न मरूंगी मैं। अच्छा मां चले, ये ले रख ले। पैसे? ठीक है बेटा, हम रोटी भी बेचते हैं। देखा सुलेखा, हम शहर वाले तो जिंदगी का एक एक असूल बेच खाते हैं, और ये गांव वाले रोटी भी नहीं बेचते। मां ये पैसे रोटी के, लेकिन तेरे घर में जो भगवान की मूर्ति पर दिया जाता है ना, उसके तेल के लिए। डूब मरने की बात क्यों की तुमने? तुमने ब्याह की बात क्यों की? इसलिए कि मेरी शराफत कहती है कि बिना ब्याह किए मुझे तुम्हारे और करीब आने का हक नहीं। देखो बाबा, तुम
मजाक ही करते रहो। संजीदा बात करते हो तो मुझे डर लगता है। अरे वाह, इतनी संजीदा बात भला मैं मजाक में कैसे उड़ा सकता हूँ। लेकिन राकेश, मैं तुम्हारे बारे में जानती ही क्या हूँ? इतना भी तो नहीं जानती कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, तुम्हारा घर बार कहाँ है, तुम्हारे माँ बाप कौन है। सुलेख, इतना तो जानती है कि मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ। इतना और जान लो कि मैं तुम्हारे लिए घर बसाना चाहता हूँ। तुम मेरे पिताजी से बात कर लो। तुम्हारे पिताजी से तो बात करूंगा ही, लेकिन तुम भी तो साथ दोगी कि नहीं? तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? रोका किसने है? इसका मतलब है जाओ। रास्ता तो याद है ना? मैंने आपकी रोटी पे 5 रुपए खर्चे हैं, कृपया दफ्तर में भिजवा दीजिएगा। मनी ऑर्डर से? ये तन्हाई हाय रे हाय चले फिराए नाए कम बही कम बही। ये तन्हाई हाय रे हाय चले फिराए नाए कम बही कम बही। Yeah, I'm going to have a party.
कौन बोल रहा है? सुलेखा, कहाँ मर गई है तू? माँ, मुझे जरा देर हो गई है, गाड़ी खराब हो गई। लेकिन तू है कहाँ? मैं एक सहेली के घर पे। कौन से सहेली? चित्रों के घर पे। गाड़ी वहीं छोड़ और टैक्सी लेकर चलिया। हाँ, अकेली? अकेली के बच्चे तुझे पहले ध्यान नहीं आया? जानती है तेरे पिताजी कितना खफा हो रहे हैं? माँ, गाड़ी खराब हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? बकवास मत कर। चित्रू को बोल तुझे अपनी गाड़ी में यहाँ छोड़ जाए। मगर माँ, मैं 15 मिनट में तुझे घर में देखना चाहती हूँ। 20 मिनट तो यही हो गए और माँ ने कहा था 15 मिनट के अंदर घर पहुँच जाना। कहीं वो तुम्हारी सहेली के घर फोन न कर। हेलो चित्रू, सुन, अगर मेरे घर से कोई फोन आए ना। फोन आए? अरे तेरी माता जी का फोन तो अभी आया था। और तूने कह दिया होगा कि मैं तेरे यहाँ आई ही नहीं। अरे पर मुझे क्या पता था? बंदू है तू, बंदू बंदू बंदू। याद करो, चित्रू नहीं, शायद उसने कोई और नाम बताया होगा। क्या आप मुझे बैरी समझते हैं? ये लो, उसकी सारी सहेलियों के नंबर एक एक को टेलीफोन कर। हेलो, कौन? रजनी। सुने कहा है? मुझे तो परसों से नहीं मिली। जी नहीं, यहाँ तो नहीं आई। जी नहीं, भी नहीं आंटी। नहीं तो? अरे सुना तूने, सुलेख किसी के साथ भाग गई। अच्छा, तुझे कैसे मालूम? अभी भी उसके घर से टेलीफोन आया था। फोन तो मुझे भी आया था। दूर और करीब चारों तरफ फैले हुए पहाड़ और इन पहाड़ों में छिपी हुई वादियां, नीला आसमान, कपास की तरह सफेद बादल और बाकी सब तरफ हरियाली ही हरियाली, ये है शिमला। लेकिन तुम्हारे बगैर बिल्कुल रूखा, बिल्कुल वीरान। बेबी की उदासी देखती हूँ तो मेरी अपनी उदासी डबल हो जाती है। फिर मैं सोचती हूँ आखिर तुम्हें है क्या जो मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचती हूँ। तुम्हारा दिखता है सूरत भौंडी अकल भैंस की, प्रेम करते हो तो लगता जैसे तुम कबड्डी खेल रहे हो। भगवान, ये गर्मियां जल्द खत्म हो और मैं दिल्ली लौटूं। ये तुम्हें कोई बहाना करके शिमला क्यों नहीं चले आते? सच कहती हूँ, पहाड़ों में फूल खिल जाएंगे, चश्मे फूट निकलेंगे, दिन रात सुहाने हो जाएंगे। काम कैसा चल रहा है? खिड़किया भी वैसे ही, दरवाजे भी वैसे ही, मालूम होता है हर बात में हमारा मुकाबला कर रहा है। लेकिन याद रहे राकेश, इसके सामने उसकी कोठी गोबर लगे है। गोबर जी? आप गोबर के पड़ोस में रहना पसंद कीजिए। मतलब है कि कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि आप दोनों की दोस्ती हो जाए। क्यों? यकीनन दुश्मनी से दोस्ती बेहतर समझी जाती है। राकेश साहब, आप मेरे आर्किटेक्ट हैं या पुरोहित? सामने घर क्या करने गए थे? पिताजी, मैं देखने गया था कि उनका मकान कैसे बन रहा है। क्या बात है? सुनो बेटा, होशियार रहना, कहीं बाजी उनके हाथ में न चली जाए। फिक्र मत कीजिए पिताजी। लेकिन पिताजी, मेरी अचानक उनसे मुलाकात हो गई, आदमी इतना बुरा नहीं। कौन? सेठ करमचंद। अरे कहीं तो भंग तो नहीं पी गया? मतलब यह है पिताजी के जिंदगी भर उनके पड़ोस में रहना है। तो अब आप ही सोचिए कि पड़ोसी से बैर अच्छा या दोस्ती? बैरियों से बैर अच्छा, दोस्ती अच्छी सिर्फ दोस्तों। पिताजी, जैसे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं वैसे दुश्मन भी तो दोस्त बन सकते हैं। राकेश, तुम मेरे बेटे हो, मेरे बाप बनने की कोशिश ना करो। मेरा कमरा देखना, मकान का सबसे अच्छा कमरा रहे। सूरज की पहली किरणें मुझे जगाएं और शाम की मंद हवा रातों को मुझे सुलाए। मदर! जी, जी,
इस घर में, समझे, उस घर में नहीं, इस घर में, मेरे घर में कैसा कमरा होना चाहिए कि जिसमें सूरज की पहली किरणें मुझे जगाएं और शाम की मंद हवा रातों मुझे सुलाए। आपको जो सुबह 10 बजे तक जाते नहीं और रात को 2-2 बजे तक सोते नहीं, जानते नहीं है मदन क्या हवा के रुख बदल रहे? अच्छा, प्यार का पहला सबक सीखो, सिखाइए, हमेशा वही ना करो जो तुम्हें पसंद है, कभी कभी वो भी करो जो किसी और को पसंद है। किसी और को पसंद है? अरे छोड़िए, बहुत देखे हैं आप जैसे, बात बात में मुझसे चक्कर लेना चाहते हो, देखना बुरी तरह मार खाओगे। हाँ, आप भी यहाँ है और हम भी यहाँ है, जो नतीजा होगा सामने आ जाएगा। ये नई बात क्या हो गई? नई बात क्या होगी, आपने सितारे गलत है। इस क्लब में नए सेक्रेटरी का चुनाव होने वाला है, एक तरफ चेत करमचंद खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ पिताजी। हम कहते हैं दोस्ती बढ़ाओ, ये दुश्मनी बढ़ाए जाते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं जानता हूँ सुले के एक ना एक दिन मेरी पोल खुल जाएगी और मेरे अपने भी मेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन एक बात कह देता हूँ, चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे धरती फूट जाए, चाहे हस्ती ही क्यों ना मिट जाए, फिर भी मैं तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। दिल में वफाए हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए चार का इशारा है, तन मन लुटाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। कहते हैं प्यार किसी दरिया है आग का, या फिर नशा है कोई जीवन की राग का। दिल में जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है, तारे सजाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने, देखी दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। आया इतना परेशान हूँ आजकल सुलेखा, मेरी तो रोने को जी चाहता है कभी कभी, अपने दिल को खोल के रखना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे सामने, फिर डरता हूँ कहीं तुम भी मुझे गलत समझ गई तो। मालसी मिलेगा यहाँ? आई बेग योर पार्डन, मालिश करो जी, मसाज मसाज। या मेरे मौला, तू कहाँ है? सुनिए। यस। क्या आप बता सकते हैं कि मिसेस करमचंद का मकान कौन सा है? एड्रेस पता तो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन यहीं कहीं माल रोड पर है। स्मॉल रोड, चलते जाइए पूछते जाइए, चलते जाइए पूछते जाइए। वेरी सिंपल, गुड लाइफ। या मेरे मौला, तू कहाँ है? तू कहाँ है मौला? तू कहाँ, तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना, अरे माने ना मेरा दिल दीवाना, ओ तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना। बड़ा नटखट है समान, हर नजारा है जवान, छा गया चार तरफ मेरी आहों का धुआं, दिल मेरा मेरी जान जाना, तू कहाँ तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना है, माने ना मेरा दिल दीवाना। ओ आई जब ठंडी हवा, आई जब ठंडी हवा, मैंने पूछा जो पता, वो भी कतरा के गई और बेचैन किया, प्यार से तू मुझे देखा था, तू कहाँ तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना दिल दीवाना। जानकारों ने सुना, इन पहाड़ों ने सुना, दर्द का राग मेरा जगदारों ने सुना, तू भी सुन जाने मन का भी जा, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना है,
जाने ना मेरा दिल दीवाना। प्यार का देखो असर आए तुम सामने जिगर मिल गई आज मुझे मेरी मन चाही नजर फिर दिखा तू कहाँ तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना हरे हरे माने ना मेरा दिल दीवाना 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 क्या कर रहे हो? होगा कोई काम मां मुझे क्या मालूम तेरे पीछे तो नहीं था क्या मां तुम्हारे भी दिमाग में क्या क्या ख्याल आते रहते हैं ठहरा कहाँ है ठहरा कहाँ होगा रात आया सुबह चल भी दिया होगा और आने चाहना करने के लिए तैयार हुई है मैं कहाँ जाऊंगी यही बैठे बैठे जमाइया लूंगी वे कहीं तो मोतिया को साथ लेकर जाना मोतिया जानती नहीं बक मत जा चॉकलेट लिया सामने देख कर चल बताएगी किसी से ओ भाई चॉकलेट वाले एक चॉकलेट देना जल्दी से हाय मैं मर गई हाय अब मैं कैसे उठूंगी हाय माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना मैं जरा जल्दी में था तुम क्या आज लौट जाने वाले थे हाँ लौट तो जाने वाला था लेकिन क्या बताऊँ उस कमबख्त मदन के बच्चे को न जाने क्या होता मदन ओ मैडम वो भी तुम्हारे साथ आया है उल्लू को 104 बुखार है और बेहोशी में न जाने किसका नाम बड़बड़ाता है मोती 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 पुकारता है मोती हाँ मेरा ख्याल है कि मोती उसके पप्पी का नाम है कुत्ते का जिसे वो बहुत प्यार करता है तो तुम उसे अकेला क्यों छोड़ा है डॉक्टर को तो बुलाने जा रहा था क्या करूँ कोई है भी तो नहीं जो उसके पास बैठ सके मुझे इतने जरूरी काम करने हैं वाकई बड़ी मुसीबत है उस बेचारे को कहीं कुछ हो ना जाए अब हो जाए मुझे क्या मैं चलता हूँ सुनो जाने से पहले माँ से जरूर मिलते जाना बहुत पूछ रही थी अभी जा सकता हूँ फिर तो मुझे वक्त ही मिलेगा अच्छा तो मुझे भी घर छोड़ देना हाँ जरूर मोतिया तू पीछे पीछे आ जा दीदी दीदी अगर तुम घर ही जा रही हो तो मैं घर सैर करके आ जाऊँ अच्छा जा मोतिया अगर तुम शिमला होटल की तरफ जाओ तो उस बेचारे मदन को भी देख लेना मुझे इतनी फुर्सत कहाँ देखो रूठा ना करो बात नजरों की सुनो हम ना बोलेंगे
मेरे कभी तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो, बात नजरों के सुनो, हम न भूलेंगे कभी तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। चेहरा तो लाल हुआ, क्या क्या हाल हुआ, किस अदा पर तेरी मैं तो बमाल हुआ, तुम बिगड़ने जो लगो और भी हसीन लगो, हम ना भूलेंगे कभी तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। करो बात नजरों के सुनो, हम ना बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिया, खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे, दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम ना भूलेंगे तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। क्या कहेगा लाज आए मुझको लाए कहा, हम तुम्हें मान गए तुम बड़े वो हो, देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। अब बोलो भी क्या बात है। वो जो घर है ना। हाँ हाँ कहो। अच्छा बन रहा है। बस यही कहने के लिए इतने नखरे हो रहे थे। तुम समझी नहीं, मेरा मतलब है वो दूसरा घर। दूसरा घर? सामने वाला। सामने वाला? अरे बाबा वो जो तुम्हारे घर के सामने बन रहा है ना। ओ, सामने वाला, उस भैंस की अकल वाले मुच्छर का। भैंस? कैसी भाई बातें करती हो, जानती वो मेरे मेरे वो हमारे बुजुर्ग है। ओहो, मेरे पिताजी का जानी दुश्मन हमारा बुजुर्ग। कुछ भी हो, हम छोटों को बड़ों की इज्जत करनी ही चाहिए। तुम मुझे सबक सिखाने आए हो या और भी कोई बात है? यही तो सारी बात है। क्या सारी बात है? कि वो जो दूसरा मकान बन रहा है वो अच्छा बन रहा है। हाँ। हमारे मकान से भी अच्छा? हाँ, नहीं वो उतना ही अच्छा। उतना ही अच्छा? और ये कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं क्या करूँ, आखिर उसका आर्किटेक्ट भी तो मैं हूँ। तुम हो? हाँ। वो सामने वाला मकान तुम बना रहे हो? हाँ। रे
मेरे पिताजी के जानी दुश्मन का यकीन मानो ये दुश्मनी रहेगी नहीं। सुलेख मेरा पीछा मत करो। पूरी बात तो सुन लो। और भी कुछ कहना बाकी है? असल बात तो बाकी है तो वो मुझसे सुन लो। तुमसे ज्यादा धोखे बात दुनिया में नहीं। तुमने मेरा उल्लू बनाया, मेरे माँ बाप को उल्लू बनाया, इसके बाद मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। सुलेख जानती हो घर से कितनी दूर हो? भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, ये लोग मेरा पीछा कर रहा है। क्या? अरे नहीं नहीं, ये आप अपनी राह लीजिए, ये मजाक कर रही है, इनसे मेरी शादी होने वाली है। क्या? मैं समझती थी ये सिर्फ गुंडा ही है, अब लगता है कुछ पागल ही। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इसे बचाइए। हाँ बेटी बैठ जा। ओए हाथ पीछे, नहीं तो स्कूटर समेत हड्डियां चर मर कर देगा। चल चल हिला गड्डी। ले सुन, तेरे पिताजी का पत्र है, लिखते हैं कि राकेश का कुछ दिमाग खराब हो गया है, वो काम करने से इनकार कर रहा है, कहता है किसी दूसरे आर्किटेक्ट को मुकर्रर कर लीजिए। उससे पूछो कब क्या करना चाहिए, बेहतर होगा तुम लोग जल्दी दिल्ली लौट आओ ताकि सलाह करें। तुम इतने बेगैरत हो, मुझे उम्मीद न थी। अब नया कसूर क्या हो गया मुझसे? ये तो नहीं हुआ कि आके कहते सुलेख मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, मैं वो दूसरा मकान बनाना बंद कर देता हूँ, उल्टा हमें आके कहते को दूसरे आर्किटेक्ट का इंतजार कर ले। मुझे तुम लोगों से क्या लगाव है कि दूसरों का काम छोड़कर तुम्हारा काम करूं? अच्छा तो कोई लगाव नहीं, और उस खूबसूरत मुच्छक जगन्नाथ के बच्चे से लगाव है? लगाव ही नहीं, रिश्ता है। वो खूबसूरत मुच्छक जगन्नाथ का बच्चा, अगर आपको एतराज ना हो तो मेरे पिताजी लगते हैं। इसलिए दरअसल जगन्नाथ का बच्चा मैं। ठंडा हो बोला, तो जल्दी फैसला करो ना कि मकान किससे बनवाना है। जिससे आपकी मर्जी हो बनवा लीजिए, मुझे तंग मत कीजिए, मुझे इस मुसीबत से कोई दिल सकते नहीं। क्या हो गया? तो रोमी का तार है, छुट्टी पर आ रहा है, अपना जन्मदिन नहीं बिताना चाहता है। रोनी, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू रोनी। थैंक यू वेरी मच। मेरा तार मिला था? तार भी मिला और लेटर भी मिला। वैसे हम तुमसे बहुत नाराज हैं जिनी, हमने तुम्हें 9 खत लिखे और तुमने सिर्फ 8 का जवाब दिया। ओह हाउ सैड। अच्छा देखो, लुक एट हर गॉट फॉर यू। ओह फॉर मी, यू आर अ पेट जिनी। हा हाउ स्वीट ऑफ यू। कम इन। हेलो बॉय। ओह रोनी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई, आज शुक्रान साहब का जन्मदिन जो है। कांग्रेचुलेशन। ये रूपा मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा, शाम को अच्छा सा तोहफा लेकर जनाब को घर आना होगा। जिनी आपके साथ आए थे भाई, मेरा हालत बहुत मुश्किल। रमेश, आई लाइक दैट। हम आपसे मिलने कश्मीर से चले आ रहे हैं और जनाब है कि नखरे दिखा रहे हैं। नहीं चलेगा, आई टेल यू बिल्कुल नहीं चलेगा। आप शाम को आएंगे और जिनी आपके साथ आए। तुम शायद जानते नहीं, गलत पड़ी। सामान मेरा टैक्सी में रखा है, स्टेशन से सीधा चला रहा हूँ, मुंह तक नहीं धोया। नाउ डोंट यू वेस्ट माय टाइम प्लीज। शाम को 8 बजे। ओके, हाँ दैट्स अ गुड बॉय, बाय बाय। तूफान नहीं भी होगा तो भी चलेगा, आई टेल यू भी बाय। मेरा एक आइडिया है। क्या आइडिया है आपका? वो ये कि आपको एक गाना सुनाना चाहिए। भाई भाई, आप लोग मजबूर करेंगे तो मैं गाऊंगा तो जरूर, कोई रशियन गाना गा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, हमें मूड दिलाने के लिए पहले कोई और गाए। मंजूर है, सिलेक्ट है। मेरी तबीयत ठीक नहीं।
अच्छा रॉनी, तुमने हमारे बॉस का गाना कभी सुना है? नहीं भी सुना तो क्या, आज सुन लेंगे। सुन ले तू दिल की सदा, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। सुन ले तू दिल की सदा, हाय गुस्से की झलक, लूटे सुख चैन तलक। हाय गुस्से की झलक, लूटे सुख चैन तलक। सबसे हिल मिल है मेरे दिल, ऐसी महफिल कहाँ। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। सुन ले तू दिल की सदा, मेरी आवाज कटी जाएगा दिल को भी की। मेरी आवाज का तीर जाएगा दिल को भी की। खोए नफरत लाए उल्फत, ये असर है मेहरबान। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार रचता है मेरा, ऐसा राही हूँ तेरा। रचता है मेरा, ऐसा राही हूँ तेरा। न रहूँ मैं न रहे तू, रहेगी दास्ता। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। सुन ले तू दिल की सदा, बस अगर मेरे माँ बाप तुम्हें पसंद कर लें और तुम्हारे माँ बाप मुझे पसंद कर लें। रुक जाई, मालूम है कौन आया है? कौन आया है? अयोध्या की महारानी की पोती। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए, धन्य भाग हमारे। जी, मुझे राकेश ने 5 बजे बुलाया था। पधारिए पधारिए पधारिए, इनको 5 बजे बुलाकर खुद 4:45 बजे क्यों खिसक गया है? शायद वो ये चाहता हो कि हम लड़की को देख लें। ठीक है, तुम चाय बनाओ, चाय। नथुन, आप बैठिए बैठिए। शुक्रिया। कहिए, आपका महल कैसा बन रहा है? महल? जी हाँ, वो जो आपकी दादी बनवा रही है। जी, मेरी दादी को मरे तो 20 साल हुए। तो ये महारानी की पोती कैसे हो गई? महारानी इसकी दादी नहीं, नानी होगी। हाँ जी, मेरा मतलब है ये वो जो आपकी नानी बनवा रही है। मेरी नानी को मरे तो 30 साल हुए।
से दादी होने दोनों मर चुके हैं तो फिर क्या अयोध्या की महारानी आपकी क्या लगती है? अयोध्या मैं सुलेखा से कहला रही हूँ, अब आप ही मुझसे समझाइए। पहले जाती थी तो कम से कम पूछ कर जाती थी, और आप तो मोतिया को भी साथ ले जाने से कतराती है। मैं तो कहता हूँ उसकी शादी कर दो। शादी कर दो? आप तो ऐसा कहते हैं जैसे लड़के बाजार में बिकते हैं। मम्मी बाजार में जाने की क्या जरूरत है, लड़के आपके घर में आते हैं। आंखें खुली रखिए, आंखें वो देखिए। इस लड़की की खातिर हमारा बेटा हमारा ही उल्लू बना गया है। अच्छा नमस्ते। फिर आना बेटा, अब तो राकेश जी लेकर आएंगे तभी आऊंगी। नमस्ते। जीती रहो जीती रहो। अब तो राकेश जी लेकर आएंगे तभी आऊंगी। अयोध्या की महारानी की पोती का बच्चा। इस झूठ को भी समझने की कोशिश कीजिए। अपने माता पिता को लाऊंगा तभी ना। जी लाऊंगा जरूर, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप जबरदस्ती ना तो मुझसे कुछ करवा सकते हैं ना मुझे करने से रोक सकते हैं। मालूम होता है माँ बाप के इकलौते लाड़ले हो। बेटा शादी करने का इरादा नहीं है क्या? जी क्यों नहीं, लेकिन मुझे यकीन है माता जी की शादी होती है इंसान की तो बुजुर्गों के आशीर्वाद से। ओ पापा घोर माल बात करने से क्या फायदा, आशीर्वाद दो जल्दी और छुट्टी करो। सुन बात करना। मोतिया देखो घर में मिठाई ना हो थोड़ा गुड़ ले आओ। कांग्रेचुलेशंस ऑन गॉड हैव योर ब्रदर इन लॉ साला। पापा आई एम सो हैप्पी। अरे अरे चुप भाई, ही इज अ मैन नाउ। माँ अगर तुम्हें और पिताजी को लड़की पसंद है तो बात पक्की कर लो, मुझसे क्या पूछती हो। लड़की के माँ बाप से मिलवाएगा तो बातचीत पक्की होगी। माँ ऐसा करो कि लड़की से तुम बात कर लो और माँ बाप से मैं कर लेता हूँ। अरे शाबाश प्राइवेट प्राइवेट। मुबारक हो लाला जी, अब हमारी लड़की आपकी है और आपका लड़का हमारा है। बेटे ये बात तो पक्की हो गई, मगर तुम्हारे माता पिता भी अगर यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। वो तो अचानक बेचारे पापा की तबीयत खराब ना हो जाती तो मम्मी पापा दोनों यहाँ बैठे होते। खैर कोई बात नहीं, बड़ा भाई भी तो बाप बराबर होता है। बराबर? अजी उम्र में ना सही लेकिन अक्ल में मैं पापा से यकीनन बड़ा हूँ। ओ रूप दही मुंह मीठा कराओ। देखिए मेरे पापा से मत पूछो। नहीं बोलेंगे बेटा। देख बेटे यहाँ एक ऊंची सी दीवार खड़ी कर दे, उस मनहूस घर की शक्ल भी यहाँ से नजर नहीं आई चाहिए। जी आपने मुझे अपना बेटा कहा है तो मुझ पर बेटे जैसा भरोसा भी रखिए। क्यों नहीं क्यों नहीं, काम ऐसा ही करना चाहता हूँ कि किसी को भी मुझे बेटा बुलाने में शर्म ना आए। वाह वाह शाबाश। घर के सामने पर्दे क्यों लगा रखे? पर्दे? अरे पंचरी वाली ये पर्दे क्यों लगाए हैं? मोतिया रानी जब ये पर्दे खुल जाएंगे तो समझो सब पर्दे खुल जाएंगे। योर अटेंशन प्लीज। अब आप इलेक्शन का फैसला सुन लीजिए। लाला जगन्नाथ 240 वोट और सेठ करमचंद 242 वोट, आई मीन 242, यानी कि आज से करमचंद जी हमारी क्लब के सेक्रेटरी हैं। जी शेर जी को मुबारकबाद तो देते जाइए। मुबारकबाद देंगे तो जुबान जल जाएगी। मेरे सामने कोई इस तरह जबान चलाए तो उसकी जबान खींच लिया करता हूँ। जबान संभाल कर बात करो जगन्नाथ। अबे आप छोड़ दे मेरा काल, पहले तू छोड़। मैं कहता हूँ छोड़ दे, पहले तूने पकड़ा पहले तू छोड़। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों, छोड़ दीजिए। राकेश तू बीच में ना पड़। मेरी खातिर सेठ जी तू यहाँ से हट जा। राकेश बेटा? बेटा तू कौन होता है मेरे बेटे को बेटा बुलाने वाला? हो सुने इसे बेटा बुलाने का शिकर क्या है? और नहीं तो क्या तूने लिया है? अरे भाप इसका मैं हूँ। पिताजी खुदा के वास्ते ये तमाशा बंद कीजिए। पिताजी
तो तू क्या इसका बेटा है? अरे घूर क्या क्या देखता है, शेर का बेटा है, कुछ गीदर का नहीं। इतना बड़ा धोखा। आप मेरे साथ घर छोड़ने मुझे छोड़कर मेरे बेटे के पीछे पड़ गया है आलू बुखारा। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। धोखे बाज। अरे मुझसे बात कर, मेरे बेटे को गाली क्यों देता है? जैसा बाप वैसा बेटा। अबे ओ ऐनक वाली अखरोट, बाप तेल तो बेटा सवा से और तू सवा मन। पिताजी मेरे पे देखना, तू श्री का गुलाम। छोटे मुझे भी एक सफर मार देते, मार के देख। पिताजी उस विश्वासघाती ने कैसी धूल झोंकी है हमारी आंखों में, देखा बेटी? बेटी तो क्या ये गुटरगू की बेटी है? हाँ ये बेटी मेरी है, लेकिन गुटरगू होंगे तेरे रिश्तेदार। और तुम्हें मालूम था कि ये गुटरगू की बेटी है? गुटरगू चलिए। और तुमने मुझे धोखे में रखा। मेरा बेटा है ही धोखेबाज। तेरी राय किसने मांगी है? और इस लड़की के बाप का मकान भी तू ही बना रहा? बना रहा था, अब आया तो मार मार कर मैं रबड़ी बना दूंगा। अरे मेरे बेटे की कोई रबड़ी बनाएगा तो सिर्फ उसका बाप, दूसरे किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसका पेड़ा बना दूंगा। बना कर देख हलवाई कहीं का इशारा से। हलवाई कंपलसरी होनी चाहिए। इंसान के सीने में दिल चाहिए, शेर का, कबूतर का नहीं। लुक एट माय पुअर मजनू। देखो दोस्त, तुम कभी सोच सकते हो कि मेरे माँ बाप मेरी और जिनी की शादी को मंजूर करेंगे? नेवर। लेकिन फिर भी हमारी शादी होगी, कुछ समझे? ओह यंग मैन, एक्शन चाहिए, एक्शन एंड आल्सो ए प्लान ऑफ एक्शन। हम अभी डिस्कस करते हैं, कॉफी मंगाओ। सलाम चले सुरेखा, लीलावती, रंजीत। ओ पापा, कितनी बार कह चुका हूँ रंजीत नहीं रॉनी। रंजीत से मालूम होता है कि मैं कोई 16वीं सदी का आदमी हूँ और रॉनी छोटा है, मॉडर्न है और गोल है। रॉनी रॉनी रॉनी, बकवास बंद करो। सुलेखा, लीलावती। हाँ चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने पढ़ा है कि चिल्ला रहा हूँ, तुम पढ़ोगी तो बेहोश हो जाओगी। रॉनी पढ़ो। शुभ विवाह, वेरी गुड। लाला जगन्नाथ जी, भगवान की असीम अनुकंपा से मेरे सुपुत्र राकेश का शुभ विवाह सेठ करमचंद जी की सुपुत्री सुलेख के साथ 18 मई सन 1962 ईस्वी को होना निश्चित हुआ है। मेरी सुपुत्री सुलेखा का शुभ विवाह लाला जगन्नाथ जी के सुपुत्र राकेश के साथ 18 मई सन 1962 ईस्वी को होना निश्चित हुआ है। इसी अवसर पर हमारे नए मकान का उद्घाटन भी होगा। उद्घाटन भी होगा। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस शुभ अवसर पर पधारकर वर वधु को आशीर्वाद दें एवं हमें अनुग्रहित करें। दर्शनाभिलाषी लाला जगन्नाथ। दर्शनाभिलाषी सेठ करमचंद। व्हाट माय पापा योर नेम? मेरे बेटे का विवाह मेरे नाम का भेजा हुआ कार्ड मुझे ही भेजा जा रहा है और वो भी डाक से। बोलो, तुम्हें इसके बारे में मालूम है कुछ? हो न हो उसी आस्तिक के बच्चे राकेश के बच्चे की शरारत है। जी क्या है ये? कार्ड है। कैसा कार्ड? शादी का। किसकी शादी? आपके बेटे की। किसके साथ? लड़की को आपने पसंद किया था। लेकिन वो बेटी किसकी है? हमारे पड़ोसी की। ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती?
मालूम होता है आप इस शादी से खुश नहीं है। खुश नहीं है? मैं पूछता हूँ कि इस कार्ड पर मेरा नाम किसने दिया? आप दिल्ली के बागेट है, नेवता आप ही के नाम पे बताएगा। तुझे किसने कहा के बीच में अपनी दिन बजाओ? मदन वो कार्ड भी भिजवाए थे? नहीं जी, सब पोस्ट कर दिए। क्या मतलब तुम घर मनी होते भेजिए? हाँ? दिल्ली का कोई इम्पोर्टेंट आदमी नहीं छूटा। क्या मतलब लिस्ट ऑफ एनवाइटी? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेयर ऑफ दिल्ली, जनाब मदन रई साहब, शेख जमनालाल, शेख छगनलाल, शेख चिन्नीलाल, शेख झासमल, जमनालाल, छगनलाल, मगनलाल, अली भाई, महाराजा जूनागढ़, महाराजा नवानगर, एम्बेसडर्स ऑफ रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नवल जी, जमशेद जी, ओमी जी, शांतिलाल जी, सब झूठ है, सब झूठ है। बोल रही सब झूठ है, सब झूठ है, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। मुझे अफसोस है, पिताजी के कार्ड जा चुके हैं। कार्ड जा चुके हैं? लेकिन अगर आपको दुख होता है तो इस सब को इतला कर दीजिए कि शादी अब नहीं होगी। मेरा क्या है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर आप इनको इतला दी तो फिर मेरे नाक की भी नाक कट जाएगी। तुमने मुझे धोखा दिया है, ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। पहले तेरी मां से सलाह कर लूं, तेरी मां से सलाह कर लूं। ये क्या है सेठ जी? ये क्या है? कार्ड है, कैसा कार्ड? मैडम जी सर, वो लिस्ट की कॉपी देना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, दरवाजे पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सारी दिल्ली जमा होगी और उस शादी के लिए जो होने वाली नहीं है। मंगलदास सेठ करमचंद एक लतीफा बनकर मशहूर हो जाएगा, मिट्टी पलीत हो जाएगी। तू मरने वाली बात है, तू क्या करेंगे? इनका के मर क्यों नहीं जाती? पापा उस बेचारी का क्या कसूर? ये शादी तो आप ही ने तय की थी। देखो मेरी औलाद की है, पुरानी खबरें खोदने के बजाय ये नहीं होता है कि कोई अच्छी सलाह दे। पापा एक अच्छी सलाह दूं? ये शादी होने दी? नामुमकिन, नामुमकिन। मेरा घर वो है ये? अरे सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जी लाला जी, ये आपके बेटे के घर है, वो आपकी बहू का। तेरा इसमें कितना हाथ है? मैं आपका नौकर हूँ। और वो राकेश का बच्चा कहाँ है इतने दिनों से? गुलाम हूँ आपका। मेरे मुंह पर कालक ठोक कर वो कहाँ जा मरा है? तापेदार हूँ। अरे उस घर के लिए इससे घटिया और कोई डिजाइन नहीं था? जी आप दोनों ने जबरदस्ती एक ही डिजाइन पास किया तो वो बेचारे क्या करते? लेकिन मैं क्या करूँ आपका? तू समझता है कि ये शादी होगी है? सिर्फ मकान का उद्घाटन होगा, उद्घाटन, और उसके बाद एक एक मेहमान को बाइज्जत विदा किया जाएगा। मालिक है, मैं दास हूँ। मेरा नाम जगन्नाथ है, जगन्नाथ। आप नाथ है लाला जी, पूरे नाथ। ये खरगोश कहाँ आ गया? ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा मकान ये है या वो? ओ पापा, ये क्यों नहीं सोचते कि दोनों घर आपके हैं? ये आपके बेटे का है, वो आपके बेटी का। क्या बक रहा तू, क्या बक रहा है? तू समझता है ये शादी होगी? पापा मेहमान तो बड़े बड़े आएंगे। आएंगे और जाएंगे। इस मकान का सिर्फ उद्घाटन होगा क्योंकि सुलेखा की तबीयत अचानक बिगड़ जाएगी। पापा आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन एक बात है, अगर लोग तोहफे लाएंगे तो वो तो हम डेफिनेटली रख लेंगे। पापा कौन भी बहुत अक्टूबर सुगरी का राकेश का बच्चा अकलमंद है जो इतने दिन मेरे सामने नहीं आया, वरना मैं उसकी गर्दन पकड़ कर अरे मैं इसकी गर्दन पकड़ कर Ah!
देखा? देख लिया। एक बार फिर से देखो। ना बाबा बस। देखो राकेश, कुछ भी हो, माँ बाप की इजाजत के बगैर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकूंगी। सुलेख, तुमने महात्मा बुद्ध का नाम सुना है? हाँ? और महात्मा गांधी का? हाँ? और ईसा मसीह का? हाँ? जानती उन सब ने सबसे ज्यादा पते की बात क्या कही है? क्या? तो प्यार में बड़ी ताकत है। फिर मजाक। झगड़ा तय करने के दो तरीके हैं, एक चीनी तरीका, एक हिंदुस्तानी तरीका। चीनी? मस्त मैं बंदूक लेकर तुम्हारे घर में घुस आऊं, ठा 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 ठा, और जबरदस्ती तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से छीन के ले आऊं, वो चीनी तरीका। और हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी तरीका पंचशील का तरीका है। पंचशील? पांच बातें हैं प्यार की। नंबर एक, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नंबर दो, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नंबर तीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नंबर चार, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। नंबर पांच? नंबर पांच, अंदर अंदर से तुम्हारे माँ बाप मुझसे और मेरे माँ बाप तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो नतीजा? नतीजा यह है कि प्यार से प्यार सजाया जाएगा, शादी होगी। यार बड़ी गड़बड़ हो गई, मुझे क्या होगा? क्या हुआ? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। नमस्ते मिस्टर बारोट, पापा यही होंगे, आप चलिए। क्या दोस्ती होगी, एक से मकान बना दिया आमने सामने। इसे कहते हैं शादी रचाना, दो घरों को एक करना। आइए आइए मिस्टर राठरा, बहुत अच्छा बाप आगे आज नहीं है वो, भाई आप यहाँ कैसे खड़े हैं? जी लाला जी अंदर मसरूफ है, बहुत बिजी बाकी ना। वाह क्या बात है, यहाँ से बारात वहाँ जाएगी और वहाँ से डोली यहाँ आएगी। दोस्ती की इससे बड़ी मिसाल और क्या मिलेगी? मैंने तो सुना है पैदा होते ही दोनों की शादी तय कर दी गई होगी। ये तो नहीं सुना, लेकिन ये जरूर है कि शादी तय होने के बाद मकान। क्यों भाई, बहुत पुरानी दोस्ती मालूम होती है इन दोनों की। दोनों लंगोटिया याद है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस बेहया बदतमीजी का जवाब हो। मैं रो रहा हूँ, पीट रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, गला फाड़ रहा हूँ कि ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और मेहमान है कि चले आ रहे हैं, और शहनाई है कि बजे जा रही है, और वो शख्स जिसको मैं गोली से उड़ा देना चाहता हूँ वो सामने ही नहीं आ रहा है। ये मेरा घर है या उसकी खाला का, मैं पूछता हूँ कि मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में कुछ हो कैसे सकता है? उस नामाकुल ने समझ क्या रखा है, उसके बाप का राज। आप बजा पर मत बता, 2000 मेहमान बुलाकर वो खुद कहा 9-11 है। अव्वल तो ये शादी हो नहीं रही, लेकिन फर्ज करो हो रही होती तो क्या उसका बाप पूरा बनकर फेरे लेता? लेगा उसको मेरे सामने, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तो क्या हुआ पिताजी, कोई नई बात तो नहीं बाप का बेटे पे हाथ उठाना? तू 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 हर्षा बीच में से तू मेरे से जबरदस्ती कर सकता है? जिद कर सकता हूँ। जिद है? जिद है तेरी के जमाने भर में मेरी हंसी उड़ाई जाए, दुश्मन के सामने मेरा सर नीचा? दुश्मन नहीं, आपका वहम है पिताजी। अब घमंड से अगर सर ज्यादा ऊंचा उठने लगे तो नम्रता यही कहती है कि आदमी को सर झुका के चलना चाहिए। नहीं शाबाश, दूसरा बेशक आपकी गर्दन पर छुरी चलाने के फिक्र में हो, मगर आप सर झुका कर चलिए। अरे कट जाएगा तो कोई क्या झुका कर चलेगा तेरा सर? दूसरे के हाथ में छुरी आपको इसलिए नजर आती है कि आपकी अपनी बगल में भी कुछ वैसी ही चीज है। नहीं शाबाश, मेरी बगल में छुरी है और उस बगले भगत के मुंह में राम राम है। और सुनो एक बात कहूं पिताजी, जिसे आप दुश्मन कहते हैं आपका सबसे बड़ा दोस्त है, बल्कि यूं समझिए कि भाई है आपका, इसलिए कि आप में उसमें कोई फर्क नहीं है। दौलत का गुरूर और छोटी शान आप दोनों में कूट कूट के भरे हैं, ख्यालात आप दोनों के हूबहू एक हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाना आप दोनों की जिंदगी का मकसद बन के रह गया है, और समझ के दरवाजे भी आप दोनों ने बंद कर रखे हैं ताकि वक्त की बदलती आवाज सांसों के साथ आप दोनों के अंदर का चली जाए। कुएं के मेंढे की तरह आप दोनों दुनिया को अपनी ही छोटी सी निगाह से देखते हैं। कुछ ज्यादा ना जानता हूं तो यही समझे कि आप दोनों मस्करे हैं। मस्करे
मना करो। आपको लड़की पसंद है, उनको लड़का पसंद है, फिर भी आप दोनों ही शादी के खिलाफ हैं। हालांकि आपकी इजाजत लेने पर मजबूर हूँ, फिर भी हम शादी आपके घर में आपकी आंखों के सामने करना चाहते हैं। इसलिए कि कोई उंगली उठा के ये ना कह सके कि लालच जगन्नाथ का बेटा सेठ करमचंद की बेटी को लेकर भाग गया। शर्म कर। आपकी इज्जत का सवाल ना होता तो शादी कब की होगी होती। लेकिन हमने फैसला किया है कि आपका आशीर्वाद लिए बगैर हम शादी नहीं करेंगे। बड़े वक्त पर आया है आशीर्वाद मेरे। वक्त अभी बहुत है, अब भी कहा जा सकता है वेदी उठा दो, ब्याह नहीं होगा। ये भी कहा जा सकता है कि सुलेखा आपकी बहू नहीं बन सकती, इसलिए कि राकेश आपका बेटा नहीं। और सच भी होगा, इसलिए कि कब समझा है आपने मुझे अपना बेटा। मैं अपने छोटे से कमरे में रहता हूँ, वहीं रहूंगा। ये महल आपका है, आप करें, शादी यहाँ नहीं होगी, कहीं और होगी। इतना जरूर चाहता कि दो पड़ोसी भाईचारे के साथ रहें। अगर आप नहीं रह सकते तो जाइए, फोड़ लीजिए एक दूसरे का साथ। लेकिन इतना याद रखिए कि जिस बच्चे को आप अपना पोता कहेंगे, उसी को आपका दुश्मन भी अपना पोता कहेगा, और आप उसे रोक नहीं सकेंगे। राकेश, तू नहीं जानता कि तेरे पिताजी तुझे कितना प्यार करते हैं। करते हैं तो दिखाते क्यों नहीं, मां समझते क्यों नहीं कि इनकी बच्चों से जिद है और मेरे जीवन के सुख का सवाल है। वो इनसे तुम्हें छीन ले तो ये समझे कि सुलेख के छिन जाने से मेरा क्या हाल होगा, सुलेख का क्या हाल होगा। मैं कैसे समझ सकता हूँ, मैं तेरा बाप होता तो ना, मैं तो एक खुदगरज मसगरा हूँ। और ये महल मैंने इसलिए बनवाया है कि मेरे मरने के बाद जहाँ मेरा मकबरा बनाया जाए। और वो आदमी जो मेरा मुंह काला करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता, वो अचानक तेरा अजीज बन गया है और उसका मकान भी इतना ही आलीशान बनाया गया है। उनको वो तेरा ससुराल है और ये घर तेरा अपना घर नहीं। उस पर भी तू चाहता है कि मैं नाक रगड़ता हुआ उस प्यादे के घर जाऊं कि वो अपनी बेटी मेरे घर ब्याह दे। हालांकि दुनिया की रीत है कि लड़की वाले झोली फैलाकर लड़के वाले के पास आते हैं। तेरी अगर यही मर दिया तो जाओ मरो, जहन्नुम में जाओ और शादी कर लो। कोई पूछे तो क्या देना कि तेरा बाप मर गया है। जाओ तुम भी जाओ, इसको ले जाओ। मैं चाहती हूँ मुझ पर रहम किया जाए। दिन रात आप अपनी इज्जत के नारे लगाए जा रहे हैं, ये नहीं सोचते कि मेरा क्या हो रहा है। आज दुनिया बाहर जमा है मेरा ब्याह देखने के लिए, ये भी तो सोचिए इस तमाशे के बाद मैं कहाँ रहूंगी मुंह दिखाने के लायक। उसूल मेरा है या उस नालायक का जिसे तुमने सर पर चढ़ा रखा है। तो शय किसकी थी, आपकी और माँ की? आप ही ने तो मेरे दिमाग में भर रखा था कि लड़का अच्छा है, और आज आप उसे गालियां दे रहे हैं, मुझे कोस रहे हैं। कोसूंगा, सौ बार, हजार बार कोसूंगा, और अगर वो मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसका गला घोंट दूंगा। पापा, मैं इंटरप्ट, राकेश आपसे मिलने आया है। इसी का मुझे इंतजार था। लफंगे पापा जी, मेरी माता जी आपसे मिलने आए। अपने बचाव के लिए अब अपनी माँ को साथ लाया है। सेठ जी, हमसे कोई खता हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आई। आपकी तकलीफ का शुक्रिया, लेकिन माफी वो आकर मांगे जिसे खता हुई है। यही समझिए कि माताजी को मेरे साथ इस घर में भेज कर पिताजी ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ लगाया। एहसान किया, बहुत एहसान किया। तेरी और तेरे माँ बाप की सब चाले मैं समझता हूँ। माँ तुम जाओ यहाँ से, कहा ना जाओ यहाँ से। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे सामने तुम्हें चालबाज कहकर तुम्हारा अपमान कर सके। जबान सुनार, आप संभालिए अपने आप को। रोनी, पुलिस को फोन करो। आखिर फोन पुलिस को कि आपके घर में डाकू घुसाया है। वो डाकू जिसके साथ आपने खुद अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था, कीजिए फोन की वाया बारात लेकर उसे बयाने लगवा दीजिए उसे फांसी। निकल जा मेरे घर से। सुलेख मेरे साथ चलो। खबरदार, चलो सुलेख। नहीं राकेश, ये ठीक तरीका नहीं। तो फिर कौन सा तरीका ठीक है? कोई समझाए उसे जो समझदार हो, भीख मांगे उसे जिसका दिल हो, काम भी पगल उसके जो उस काबिल हो। लेकिन जब वास्ता एक पत्थर से पड़ता है तो बताओ कौन सा दूसरा तरीका है? मेरे बारे में कहा इसने कुछ? करमचंद जी जरा गौर कीजिए, जमाना किधर जा रहा है। आपस के बेबुनियाद झगड़े, छोटी छोटी बातों में फसाद, बाप का बतंगड़ बना के धरती को सर पर उठा लेने की आदत 20वीं सदी में, तो इस चिचोरेपन को छोड़िए। जाने दीजिए, मेरी बात ना हुई शादी आपकी बेटी से तो ना सही, लेकिन अपने घर को तो देखिए। किस्मत में लिखा है जिसके पड़ोस में रहना उससे बैर भला कब तक चलेगा। रहना उसी के घर के सामने है, नफरत से रहिए या प्यार से,
नफरत कीजिएगा नफरत मिलेगी, दोस्ती कीजिएगा दोस्ती मिलेगी। सारा लेक्चर मुझे भी झाड़ रहा है, या कुछ अपने बाप के लिए भी बचा कर रखेगा? यकीन मानिए मेरे लिए जैसे पिताजी हैं ठीक वैसे आप। ओ सुन ले तू दिल की सदा, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। सुन ले तू दिल की सदा। आज तक जो भी हुआ झूठे झगड़ों ने किया, आज तक जो भी हुआ, आज तक जो भी हुआ झूठे झगड़ों ने किया। प्यार होता कुछ न होता न उजड़ते आशियां। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। सुन ले तू दिल की सदा। जिसने न किया खाक दुनिया में जिया, प्यार जिसने न किया, प्यार जिसने न किया खाक दुनिया में जिया। उसका जीवन कोई जीवन जैसे वीरान बस्तियां। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। सुन ले तू दिल की सदा। प्यार जिस दिल में जवां समझो भगवान वहां, प्यार जिस दिल में जवां, प्यार जिस दिल में जवां समझो भगवान वहां। मान ले तू और समझ ले धड़कनों की ये जुबां। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। सुन ले तू दिल की सदा। दुश्मन से बड़ा तब है जीने का मजा, प्यार दुश्मन से बड़ा, प्यार दुश्मन से बड़ा तब है जीने का मजा। ये जमीन भी तू बना दे एक मिलन का आसमां, ये जमीन भी तू बना दे एक मिलन का आसमां। ये जमीन भी तू बना दे एक मिलन का
आसमान.